87वीं परिच्छेद में शत्रु परीक्षा प्रकरण में समझा रहे हैं विघ्न पुरुष वे होते हैं जो प्रत्येक कार्य को मीमांसा पूर्वक निर्णय करते हैं। अमीमांसा पूर्वक जो निर्णय कर लेते हैं उनका जीवन ही मीमांसा के योग हो जाता है। इसलिए सबसे पहले निर्णय की मीमांसा करना चाहिए और जो बिना मीमांसा के बिना विवेक के निर्णय कर लेते हैं वे सम्राट शत्रु के लिए आनंद देने वाले होते हैं, शत्रु को आनंद देने वाले होते हैं। जिनके यहाँ नीति शास्त्र के प्रति पारंगता नहीं है, कुशलता शून्य है और राजनीति शास्त्र से संबंध नहीं रखते, ऐसे शासक स्व का पतन कराते हैं और राष्ट्र का भी पतन करा देते हैं। ऐसे पतित जनों से राष्ट्र की कभी रक्षा नहीं हो सकती। पुनः समझा रहे हैं किंकर्यस्त लिप्सानाम चंडो वा उधीरवर्जिता सब यत्रस्य भूतपस्य बैरार्थम स्वागत स्वागतोदता। जो पुरुष राजनीति की दृष्टि से राजा को देखना, मतलब जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में प्रधान है अपने क्षेत्र का राजा, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में प्रधान है सो क्षेत्र का सम्राट। तो वीर सिंह सौमित्र तो आचार्य प्रविष्टि को भी राजा कह दिया, आरी रायु पश्यु आचार्य राजा प्रसन्न हो तो अपने क्षेत्र के राजा हैं सम्राट। किंकरो लिप्सायम परंतु सम्राट लिप्साओं का किंकर है, लिप्साओं का किंकर है, दास है। मतलब जिसके उपभोग वृत्ति की आकांक्षा से लिप्त है, वासना से लिप्त है, जो भोग भोजन भोग भोजन दो ही सूत्र जाना है, भोजन करके सो जाना, वासना में लिप्त हो जाना, थक जा फिर सो जाना। फिर राज्य शासन के बारे में क्या विचार करेंगे? आपको तो सीमांतर्गत एक एक छोटे से छोटे गांव पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, सीमांत के पर बसे नगरों एक एक नगर ही तुम्हारा शत्रु पक्ष ने हड़प लिया तो ऐसे तो पूरा राज्य चला जाएगा। राजा को ये कभी नहीं सोचना चाहिए, एक व्यस्त भूमि तो गई है, क्या बड़ी बात है। अरे एक व्यस्त बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी। इसलिए किंकर लिप्सायम, जो किंकर है लिप्साओं का आकांक्षाओं का, अब आपको त्यागी है तन्मय पीयूष राग का लिप्सा, राग का किंकर मोह का किंकर, ये सब क्या, सब किंकर ही तो बैठे हुए। राग के किंकर मोह के किंकर, किंकर का मतलब दास स्वामी के अनुसार जीना, नौकर भृत्य स्वामी के अनुसार जीना। तो मोह तुमको जिधर ले जाता वहां तुम चले जाते हो, तो मोह के किंकर हो। जो मोह को दूर कर दिए वो स्वामी है। तो किंकरो ये लिप्सा है चंडो, ये बहुत सत्य, इसमें कोई शंका नहीं है। इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या कर सकते हो, राजनीतिक दृष्टि से व्याख्या कर सकते हो, आप अपने घर चलाने की दृष्टि से व्याख्या कर सकते हो। लिप्सा कभी किसी को उभरने नहीं देती, लिप्सा कभी उत्थान नहीं करने देती। अब विश्वास रखना, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, प्रणव यदि किसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा हो जाए तो तुम्हारे यहाँ मन नहीं लगेगा, एक कोने में जाने की इच्छा सोचोगे। लिप्सा कोना दिलाती है, आहा लिप्सा कोना दिलाती है, तुम कोने के सड़े गले आदमी बने रहोगे। जैसे कोई फल सड़ जाए अचानक,
अब उठाने का समय नहीं इतना, उठा के व्यक्ति कोने में छोड़ देता है। ये माताएं झाड़ू लगा करके और किवाड़ों के पीछे कचरा रख देती है। देखा आपने कि अभी होगा तुमने तो तुम्हारे अच्छा नहीं है ऐसे। तो मतलब बर्तन नहीं धोए कभी तो धोने के बर्तन कहाँ रख देती घर में, एक किनारे रख देती हूँ, अब तक नहीं धोती। ठीक है, अब समझो। तो जैसे जैसे उच्छिष्ट सामग्री, विकृत सामग्री को कोने में सरका दिया जाता है, इसी प्रकार से जो जिसका लिप्साफे युक्त है सोनू, वो आदमी अपने आप कोने में चला जाता है। अलग से तुम्हें बात करने सुमति से तो तुम कोने में जाओगे, और जो लिप्सा से शून्य है वो सबके साथ विराट होकर जीता है। लिप्सा वाने कोने में जाते प्रणय सागर जी, स्वयं जाते दूसरे को ले जाते, परंतु निर्मोह ही विराट होता है। आकांक्षा, भोगवृत्ति, मोहवृत्ति, ये लिप्सा है। अगला सूत्र चंडो, ओहो चंडो ने मुंशी बेरे भंडनशील धम्म तैयार है। जो ये कृष्ण लिप्सा के लक्षण है, क्रूर प्रणामी के लक्षण है। और जो व्यक्ति चंड, बात बात में कोपित होता हो, क्षण क्षण में चट 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 चलाता हो, जैसे अग्नि लग जाए लकड़ी में, सूखी लकड़ी में, तो वहाँ पहुँचने के पहले ही चट चट करने लगती हो, और फुंझड़ियाँ चट चट करती है। तो ऐसे जो क्षण क्षण में चट चट करे, क्षण क्षण में चिड़े, देखो जैसे एक आचार प्रमिष्टि साम्य भाव से जिए तो शिष्यों का पालन करते हैं। सम्राट साम भाव में जीता है तो राष्ट्र का पालन करता है। अति क्रोधी अपने संतान के साथ मधुरता का नहीं जी पाएगा। जो व्यक्ति क्षण क्षण में चिड़चिड़ करता है, अपनी पत्नी के साथ नहीं जी सकता शांति से, अपने पुत्रों के साथ नहीं जी सकता शांति से। समता भाव, चंडो, चंड पुरुष राज्य नहीं कर पाता, नष्ट होता उसका राज्य। सामान्य वाला तो सोचते हैं कुछ ऐसा बोल दें जिससे अपने समाप्त कर देने को। ये प्रज्ञा होना चाहिए, ध्यान रखना कि सामने वाला सोचता मैं तो बहुत अनुभवी हूँ, तुम ऐसे भी हाथ कर दोगे सुब्रत साहब लुढ़क जाएगा, वो कहेगा हमें गिरा पटक दिया इनने। अब जो साधु बाहर भगना चाहे, तुम विश्वास रखना भविष्य में, वो तो ये बहाना चाहता है कि एक बार बोल तो दें, वो कहेंगे आप नहीं तो कहते जाओ। तो ये सर्वत्र है चंडो, बुद्धिवर्जिता और बुद्धि से रहित, जिसका बुद्धि नहीं है। सा पतना स्तस्या, उसका पतन नियम से है, उसका पतन भूपस्य पतना बैरार्थम स्वागत, उसके शत्रु है ना, उसके बैरी, जो बैरी उसके शत्रु है ना, स्वागतोदता, उसके बैर का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। बोले ऐसे ही लोगों से तो युद्ध करना चाहिए जिनका पतन नहीं है, शीघ्र कॉपी और घर में कुछ है नहीं है। ऐसे ही लोग हैं जिनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, दो कौड़ी का, और गुस्सा ऐसे दिखाएंगे और ऐसे फूंक दो तोड़ के गिर पड़े, पर एक हाथी के सामने गुस्सा दिखा रहे हैं वो सूंड से ऐसे फेंक देगा। ओ चूहे क्यों हाथी पर गुस्सा कर रहा है, तू एक पैर का भी नहीं है। ऐसे अहो चूहो जो गुस्सा करे वे चूहे ही होते हैं। इसलिए हार्दिक जितने दुबले पतले रहते चिड़चिड़ाते ना, सो सूख मोटे नहीं हो पाते, इसलिए अपन को गुस्सा नहीं करने का। हाथी बनना है तो सुंदर गुड़ खाओ, गन्ना खाओ, ठीक है, शांत जियो, स्वच्छ पानी पियो। हाथी इसलिए तो मोटा रहता है, वो चिड़चिड़ करता है शेर, सो देखो उसकी कमर कैसी रहती दुबली पतली से। वो हाथी घास खाता है, स्वच्छ पानी पीता है, गुड़ खाता है, गन्ना पीता है, मालूम मस्त रहता है। मीठा खाओ, मीठा बोलो, मीठा जियो, और मस्त गजराज बन के जियो। ठीक है, अब आगे विचार करेंगे। मुझे मालूम तुम सब क्या सोच रहे हो, रमोरिंता नमोस्ता नमो हरि सहोत्साहम, मधुर जियो, मधुर पियो,